सिद्धू मूसेवाला की मौत के 2 साल बाद उन्होंने माता वालों एक बच्चे को जन्म दिता गया, जिसके जन्म तो बाद ही वह खबरों की सुरक्षा में आ गया। बीते दिन सिद्धू मूसेवाला के पिता वालों अपने सोशल मीडिया से पोस्ट पा के अपना दुख जाहिर करते हुए देखा गया। उन्होंने वालों इल्जाम लगाया गया कि पंजाब सरकार उन्होंने धक्का कर रही है। इतों तक उन्होंने सीधा मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधते हुए कहा कि जे हुण हथ पाउणा तां चंगी तरह पाई। अज सवेर तो मन बड़ा परेशान सी, सोचा तुहानू भी सारी इस गलबात का पता होना चाहिए कि प्रशासन सवेर तो मैनू परेशान कर रहा इस गल भी तुसी अपने इस बच्चे दे सानू डाकूमेंट पेश करो, इस बच्चे नू लीगल साबित करने लई मैनू तरह तरह के सवाल पूछे जा सके। मैं सरकार नू एक बेनती करनी चाहुंदा, खास करके सीएम साहब नू, भी कृपा करके तुसी इस गल ते तां थोड़ा जिहा तरस खाओ भी ये ट्रीटमेंट तां पूरा हो लैण दिओ। मैं इत्थों दा रहण वाला, मैं इत्थे ही रहूँगा, जिथे तुसी मैनू बुलाओगे मैं तलब करूँगे, मैं हर जगह ते पहुँचूँगा। तो कृपा करके पहला तो मेरा जिहड़ा ट्रीटमेंट है उन्हूं कंप्लीट होण दित्ता जावे। तां एक मैं तुहानू एक सख्त शब्दां च ये गल कहना, क्योंकि मैं दुखी बहुत हाँ जी, क्योंकि तुहाडी एक आदत है तुसी हर एक गल तो जू टर्न लैंदे हो। फिर बाद दे विच तुहाडे जिहड़े सलाहकार ने, तुहाडे जिहड़े पाछू ने, वो तुहानू इहो जिही सलाह दिंदे ने ते फिर उत्थों उस फैसले तो रोकिया नहीं जाता। मैं तुहानू बड़े सख्त शब्दां च कहना तुसी जे हथ पाओगे समार के पायो, ठीक है। मैं यू टर्न लैन वाले चो नहीं, मैं जान दे सकता, मैं पिछे हटने वाले चो नहीं। मैं जितों तक गल कानून की है, मेरे पुत ने जिन्ना 28 साल की जिंदगी ज्यों ही कानून के दायरे च रह के ज्यों, मैं एक सबका फौजी हूँ, मैं कानून की हर जगह के उत्ते रिस्पैक्ट करना। और मैं थोनू यकीन भी दवाना चाहना इस गल का भी मैं कानून के हर पहलू तो खरा उतरूँगा। मैं किसी भी जगह के उत्ते कानून की उलंघना नहीं की, अगर मैं की हुई मैं फड़ के जेल च पा दो। अगर तुहानू फिर भी मेरे पर विश्वास नहीं, पहला मेरे पर FIR कटो, फड़ के मैं अंदर दो, फिर इनवैसटीगेशन करो। तो मैं अपने सवै विश्वास देने वाले गल कहना भी मैं सारे लीगल डाकूमेंट तुहाडे सामने पेश करके मैं इतों साफ वरी निकल के दिखाऊंगा। पर उधरों सरकार वालों स्पष्टीकरण किया दिता गया कि पंजाब सरकार का इस नोटिस नाल कोई लेना देना नहीं है। यह नोटिस उन्होंने केंद्र सरकार वालों आया है। भारत सरकार ने ही सिद्धू मूसेवाला साहब के परिवार के संबंध में, जहां उनके घर एक बच्चे ने जन्म लिया है, उसको लेकर तमाम तरह की जानकारी भारत सरकार ने मांगी है। और इवन हमने तो यहां तक जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर सेक्रेटरी पंजाब अजय कुमार जी, उनको भी नोटिस जारी किया है कि आपने जो भारत सरकार की चिट्ठी थी उसको इमीडिएटली हेल्थ मिनिस्टर ऑफ पंजाब और मुख्यमंत्री जी के ध्यान के में क्यों नहीं लाया गया। तो इसमें तो पूरी तरीके से भारत सरकार की इंटरफेरेंस है, पंजाब सरकार का कोई लेना देना। दस दईए कि भारत में IVF राही बच्चा जम्मण की उम्र सीमा मर्दा लई 50 और औरतों लई 55 है। सिद्धू मूसेवाला के पिता वालों पंजाब सरकार को निशाना बनाने पिछे 2 गल्लां हो सकदियां हन। या तो उन्होंने मामले में समझने में गलती कर दी, जल्दी में सरकार के खिलाफ बोल दिता, या फिर ये सब सरकार के खिलाफ एक सोची समझी साजिश तहत किया गया। तुहाडे इस बारे की विचार हन सानू कमेंट करके जरूर दसो। पेज में सबसक्राइब तो वीडियो में लाइक करना ना भुलना।